Now, come to what are the basic difference between plants and animals. Plants और animals में क्या basic difference है? Plants और animals जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग है. तो कौन से आपके characteristics के basis पे हम लोग plants और animals को differentiate कर सकते हैं? तो आपके बुक में यहाँ पे देखिए कि तीन characteristics दिए गए हैं. First है nutrition, second है locomotion और third है growth. इन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम लोग ये बता सकते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो एनिमल से डिफरेंट होते हैं. प्लांट जो है वो आपका न्यूट्रिशन शो करते हैं, एनिमल्स भी न्यूट्रिशन शो करते हैं. न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड इनटेक करते हैं और वो फूड उनके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसी को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं. तो प्लांट्स को अपनी ग्रोथ करने के लिए, एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए प्लांट्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल होती है. एनिमल्स को भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि एनिमल्स भी तो ग्रोथ करते हैं, एनिमल्स को भी तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट होती है. लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं. इनके पास एबिलिटी होती है कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके अपना खाना ये खुद से बनाते हैं. लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं, ये कोई फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं. एनिमल्स जो होते हैं अपने खाना के लिए वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं. ठीक है, इसलिए प्लांट्स जो है वो एनिमल्स से डिफरेंट होते हैं. अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से प्रिपेयर करता है तो हम उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफ. तो प्लांट्स भी तो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर रहा है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे, प्लांट्स को कहते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफ. और एनिमल्स जो होते हैं वो कभी भी अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं करते, हमेशा दूसरे पर डिपेंड होंगे. तो इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं हेटरोट्रॉफ. और इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहेंगे, जो ऑटोट्रॉफ होते हैं उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, और जो हेटरोट्रॉफ होते हैं उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है. यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं. सेकेंड पॉइंट इज लोकोमोशन. लोकोमोशन से आप क्या समझते हैं? लोकोमोशन मीन्स होता है मूवमेंट. प्लांट मूव करते हैं, यस और नो? प्लांट्स मूवमेंट शो करते हैं. लेकिन आप कहोगे कि प्लांट्स तो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते, हम तो कभी नहीं देखे हैं कि प्लांट्स एक जगह से दूसरे जगह मूव करके जा रहे हैं. तो आप सही हो, प्लांट्स जो है वो खुद से कभी भी चलकर एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है. लेकिन आप देखना कि प्लांट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं जो मूवमेंट शो करते हैं, जो लोकोमोशन शो करते हैं. जैसे कि आप सनफ्लावर की बात ले लो, तो सनफ्लावर में प्लांट जो है उनका जो फ्लावर है उसको देखना कि जिधर से सनलाइट आएगा वो हमेशा उस फ्लावर का जो फेस है वो हमेशा सन की तरफ रहता है. इसका मतलब है कि उसका फ्लावर जो है किस साइड मूवमेंट शो कर रहा है, टुवर्ड्स सनलाइट. जिधर से सनलाइट आएंगे उधर उसका मूवमेंट शो हो रहा है. उसी तरह आप और भी कोई प्लांट्स में देखना, जैसे कि आप कुछ ट्री में देखोगे कि उनका जो रूट्स होता है वो अर्थ की तरफ नीचे लटके हुए नजर आते हैं. जैसे कि आप बनियान ट्री वगैरह में देख सकते हो, उनके जो रूट्स होते हैं वो नीचे की तरफ आते रहते हैं. तो इसका मतलब है कि रूट्स का जो ग्रोथ है वो अर्थ की तरफ शो कर रहा है, तो यहाँ पे भी तो मूवमेंट शो हो रहे हैं ना. तो प्लांट्स खुद से एक जगह से दूसरे जगह मूव करके नहीं जाता है क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल में फिक्स होते हैं. प्लांट्स का पार्ट मूवमेंट शो करता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्लांट्स जो है वो मूवमेंट शो करती हैं. अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि प्लांट्स किस तरह का मूवमेंट शो करते हैं. प्लांट्स खुद नहीं चल कर जाते हैं कहीं, बल्कि उनके पार्ट्स मूवमेंट शो करते हैं. जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लो, टच मी नॉट फ्लावर. टच मी नॉट फ्लावर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, छुई मुई. अगर आप जैसे उसे टच करते हो उसका लीफ जो है वो तुरंत बंद हो जाता है, ठीक है, क्लोज हो जाते हैं. तो मूवमेंट शो किए वो, क्योंकि जैसे आप उसे टच किए वो तुरंत जो है वो उसका लीफ फोल्ड हो जाता है. तो लीफ यहाँ पे फोल्ड हो रहा है, लीफ मूवमेंट शो कर रहे हैं.
अब एनिमल्स से आते हैं। तो एनिमल्स में तो एकदम आपका क्लियर है कि एनिमल्स जो है वो मूवमेंट शो करते हैं। एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह खुद चले चलकर जा सकते हैं, जैसे कि आप भी जाते होंगे अपने स्कूल से घर जाते हैं, घर से मार्केट जाते हैं, आप अपने पैरों का यूज करके खुद एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते रहते हो। तो एनिमल्स जो होते हैं वो लोकोमोशन शो करते हैं, वो आपका मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ग्रोथ। प्लांट्स ग्रोथ शो करते हैं। प्लांट्स में उनके पार्ट्स जो है वो ग्रोथ करते हैं। अगर आप एक छोटा सा बेबी प्लांट लगाते हो और उसे प्रॉपर केयर करते हो तो देखना कि कुछ सालों के बाद जो है प्लांट्स ग्रोथ कर जाते हैं, प्लांट का साइज बड़ा हो जाता है। तो ये ग्रोथ शो कर रहे हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो भी ग्रोथ शो करते हैं। एनिमल्स भी पहले एक छोटा सा बेबी रहता है, फिर धीरे धीरे उनका साइज जो है वो बढ़ना स्टार्ट होता है और एक सर्टेन एज तक उनका ग्रोथ होता है। तो एनिमल्स का सारा बॉडी पार्ट्स ग्रोथ करते हैं, लेकिन प्लांट्स का सारा, देखिए ग्रोथ दोनों शो कर रहे हैं, प्लांट्स भी कर रहे हैं और एनिमल्स भी शो कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों में? डिफरेंस ये है कि एनिमल्स का सारा पार्ट ग्रोथ शो करेगा, सारे पार्ट्स में ग्रोथ होंगे, लेकिन प्लांट का सारा पार्ट ग्रोथ नहीं करता है। प्लांट्स में कुछ सर्टेन रीजन होते हैं, कुछ सर्टेन जगह होते हैं जहाँ से आपका ग्रोथ होता है, जैसे कि रूट। तो रूट का टिप में आपका रूट में आपका ग्रोइंग रूट के टिप्स में ग्रोइंग टिश्यूज होते हैं और वो ग्रोथ करते हैं। उसी तरह आप स्टेम को ग्रोथ करते हुए देखे होंगे, ब्रांचेस को ग्रोथ करते हुए देखे होंगे, ठीक है। तो प्लांट्स में कुछ सर्टेन रीजन होते हैं जहाँ पे ग्रोइंग टिश्यूज प्रेजेंट होता है और उसी के हेल्प से उसका पार्ट ग्रोथ करता है। तो ये है बेसिक डिफरेंस। प्लांट्स में कुछ सर्टेन रीजन होते हैं बस वही ग्रोथ करते हैं, लेकिन एनिमल्स का सारा पार्ट ग्रोथ करता है। उस लोकोमोशन में भी हम लोग देखे थे कि लोकोमोशन जो है प्लांट्स का लोकोमोशन में अलग था कि प्लांट्स फिक्स होते हैं सॉइल में, वो खुद मूव करके नहीं जाते हैं, लेकिन उनके पार्ट्स मूव करते हैं, जबकि एनिमल्स जो है पूरा का पूरा उसका होल बॉडी मूवमेंट शो कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह वो खुद मूव करते हैं। तो ये है बेसिक डिफरेंस, क्लियर है। इसी के बेसिस पे, इन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन प्लांट्स है और कौन एनिमल्स है, क्या क्या दोनों में बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। तो आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हुआ। थैंक यू।